अल्लाह रहमान रहीम विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इंकजेट प्रिंटर, लेक्चर नंबर 12.4 पार्ट बी है। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फोटोकॉपियर, जीरोग्राफी सीखा। हमने देखा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूज़ करते हुए किसी डॉक्यूमेंट को कॉपी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज भी हम उसी की एक एप्लीकेशन इंकजेट प्रिंटर जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, इंक जेट प्रिंटर, जैसा कि नेम से ही जाहिर है कि इसमें कोई इंक होगी जिसको जेट यानी फेंका जाएगा, स्प्रे किया जाएगा, और उसका एक हम प्रिंटर डॉक्यूमेंट का जो है वो हासिल कर सकेंगे, उसका हम प्रिंट हासिल कर सकेंगे। तो बच्चों, इसमें भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को ही यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लास्ट में हमने कहा था कि इसका एक प्रिंसिपल है कि ऑपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बिल्कुल ये भी उसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करेगा। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ अ प्रिंटर विच प्लेसेस वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन द पेपर टू मेक एन इमेज। यानी ये इमेज बनाने के लिए क्या करता है, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है इंक के उसे यूज करता है, और वो स्प्रे करता है किसके ऊपर, पेपर के ऊपर, और पेपर जो है उन ड्रॉपलेट्स को जज़्ब कर लेता है और हमारे पास एक जो है वो प्रिंट आउट बन जाता है। तो इसका प्रिंसिपल देखते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स व्हेन दे पास थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो चार्ज पार्टिकल हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे जब वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे। तो अभी भी इसे भी हम समझेंगे कि किस तरह से चार्ज पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट होते हैं। चार्ज पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म फील्ड में हम प्लेस करते हैं, जब उसमें ड्रॉपलेट्स को हम यूनिफॉर्म फील्ड से गुजारते हैं, तो कैसे वो ड्रॉपलेट जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब बच्चों, इस इंक जेट प्रिंटर के चार मेन पार्ट्स हैं, अभी हम उनको वन बाय वन देखते हैं और उनका फंक्शन देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। फर्स्ट पार्ट प्रिंट हेड है। प्रिंट हेड जो होता है ये कंसिस्ट ऑफ नोजल विद एन इंक पंप, यानी इसमें इंक जो है उसका पंप होता है और इसके बाद एक नोजल होती है जिसमें से इंक जो है वो स्प्रे की जाती है। अब इसका जो दूसरा मेन पार्ट है वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है। इट चार्ज ड्रॉपलेट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्चों, एक बात आपने याद रखनी है कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स नहीं है, यानी ये एक ही इलेक्ट्रोड है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड। इट चार्ज द ड्रॉपलेट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम देखेंगे, अभी समझेंगे किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक को यूज करते हुए जो ड्रॉपलेट नोजल स्प्रे कर रही है उनको किस तरह से ये चार्ज कर देता है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, ये दो प्लेट्स होती हैं, टू पैरेलल प्लेट्स ऑपोजिटली चार्ज, ये ऑपोजिटली चार्ज होती हैं, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसका अब चौथा और मेन पार्ट जो है वो गटर है, यानी जो हमारे पास अजाफी इंक होगी, जो हमारे पास नोजल है, ये तो इंक जो है स्प्रे करती रहेगी ना, ऑल द टाइम ये स्प्रे करेगी। अब पेपर के ऊपर क्या इंक पहुंचनी चाहिए या नहीं पहुंचनी चाहिए, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो है वो डिसाइड करेंगी, चार्जिंग इलेक्ट्रोड डिसाइड करेगा, और जो इंक अजाफी होगी वो इस गटर में चली जाएगी, और जो इंक जो है वो स्प्रे होनी चाहिए पेपर के ऊपर वो पेपर तक पहुंच जाएगी। तो अभी हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल डायग्राम मैटिकली समझते हैं, डायग्राम को देखते हुए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों, ये स्कीमेटिक डायग्राम जो है इंक जेट प्रिंटर की मैंने यहाँ पर ड्रा की है, जिसमें यहाँ पर मैं दोबारा आपको वही मेन जो चार पार्ट थे, ये प्रिंट हेड है हमारे पास जिसमें पंप और नोजल इंक्लूड होते हैं, और इसके बाद चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, यानी ये देखे ना यहाँ से भी ऐसे ही लग रहा है, हमारी बुक पे भी ऐसी डायग्राम बनी हुई है कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड दो हैं, और बाज़ा मुख्तलिफ जो नोट्स हैं तो उन नोट्स के ऊपर भी ये बात गलत लिखी हुई है, वहां पर भी चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स लिखा हुआ है, यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड कह दिया गया, दो इलेक्ट्रोड कह दिया गया, लेकिन ये एक ही इलेक्ट्रोड है और ये बेसिकली स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल शेप मीन दैट कुछ इस तरह से होगा, स्फेरिकल शेप का, और इसमें एक सुराख होता है, जैसे ये सुराख है, तो इस सुराख में से नोजल जो है वो स्प्रे करती है, वो चार्ज जो पार्टिकल्स हैं ड्रॉपलेट्स हैं वो इस सुराख में से गुजरते हुए यहाँ से पास कर देते हैं। जब ये पास करते हैं तो क्या होता है, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है ये इनको चार्ज कर देता है। चार्ज कैसे करता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर होता है। ड्रॉपलेट आते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, तो हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी जो ड्रॉपलेट है, कोई भी चीज़ है वो एटम से मिलकर बनी हुई है, और एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। अब क्या होता है कि जो पॉजिटिव प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना चाहती है, तो ये क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजाफी आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली जो है वो चार्ज हो जाता है। तो अब ये हमारे पास जो ड्रॉपलेट्स हैं इनके ऊपर चार्ज आ गया, हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, हमने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज कर दिया है।
इसको समझने के लिए हमने छोटी क्लासेस में एक एग्जांपल देखी है कि हम जब जो कंकी है उसको अपने कॉम्ब में रगड़े और रगड़ने के बाद हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएं तो वो कंघी क्या करती है, उन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेती है। तो बेसिकली वो भी हमारे पास क्या होता है, चार्ज होता है, क्योंकि जो कंघी है उसके ऊपर एक चार्ज है, तो वो दूसरा जो हमारे पास कागज के टुकड़े हैं उनके ऊपर भी इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज जो है वो प्लेस करती है, उनको अट्रैक्ट कर लेती है। बिल्कुल सेम प्रोसेस में ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास जो ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं इनको इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज कर देता है। अब क्या होता है, अब ये ड्रॉपलेट्स जो है इनके ऊपर चार्ज आ गया, तो ये चार्ज ड्रॉपलेट्स जब इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से, यानी इसका जो तीसरा मेन कंपोनेंट है वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स था, अब डिफ्लेक्टिंग हमारे पास जो प्लेट्स हैं इनमें से गुजरता है तो ये डिफ्लेक्ट कर देती हैं कुछ ड्रॉपलेट को, और जिनके ऊपर चार्ज नहीं होगा उनको ये डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये यूनिफॉर्म फील्ड है, तो जब इसमें से कोई अनचार्ज पार्टिकल जाएगा तो वो स्ट्रेट ही मूव कर जाएगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आएगा तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और एज अ रिजल्ट ये ड्रॉपलेट नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और इसके बाद जो ड्रॉपलेट डिफ्लेक्ट हो जाते हैं वो नीचे गटर में आ जाते हैं, तो वो इनको जमा करके, इसी इंक को जमा करके दोबारा जो है वो इंक किसको सप्लाई कर देता है, इंक सप्लायर को वो सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो इसके बाद देखिए, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका मेन प्रोसेस प्रोसीजर के वर्क स्टार्ट कहाँ से करता है, हम इसको सप्लाई देते हैं, ऑन कर देते हैं और एक पेज यहाँ पर प्लेस कर देते हैं कंप्यूटर में, एक पेज जो है जिसको हमने प्रिंट करना होता है, जिसका इमेज हमने बनाना होता है, वो यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो इंक सप्लाई जो है यहाँ से मूव करती है, पंप क्या करता है, इंक को साक करता है और वो नोजल तक पहुँचा देता है। अब ये प्रेशराइज होती है, नोजल का सुराख बहुत बारीक होता है, तो ये प्रेशराइज जो इंक है वो जब यहाँ से आउट होती है तो ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बन जाती है। अब बच्चों, ये ड्रॉपलेट पहले न्यूट्रल थे, अब यहाँ तक ये न्यूट्रल है। अब हम यहाँ पर जो पेज प्लेस करते हैं कंप्यूटर में, उस पेज के ऊपर जिन हिस्सों पर स्याही है, जिन हिस्सों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो तब क्या होगा, तब देखें हमें इंक डिफ्लेक्ट नहीं करनी, क्योंकि हमें वही चीज़ जो लिखी हुई है, लेट्स सपोज उस पेज के ऊपर एक लाइन बनी हुई है, तो हमें इस लाइन के ऊपर जब भी हमारे पास जो, जब भी पेज के ऊपर कुछ लिखा हुआ होगा या फिर इसके बाद कोई लाइन होगी या कुछ भी होगा, तो उस वक्त हमने इन ड्रॉपलेट्स को डिफ्लेक्ट नहीं करवाना है, बल्कि इस पेपर के ऊपर हमने उसी चीज़ का तो इमेज लेना है। तो क्या करेंगे, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड, इनको इंस्ट्रक्शन मिलेगी कंप्यूटर की जानब से, और क्या होगा, जब कोई चीज़ इसने लिखनी होगी, जब इमेज इसने बनाना होगा, तो ये उस वक्त इस इलेक्ट्रोड को ऑफ कर देगा। जब इलेक्ट्रोड ऑफ होगा तो ये जो ड्रॉपलेट्स आ रहे थे ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज नहीं होंगे। तो ऐसे ही अब क्या हुआ है कि वो ड्रॉपलेट्स जहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ गया है, वो लिखना है हमने इस पेज के ऊपर प्रिंट करना है, तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है ये ऑफ होगा। जब ये ऑफ होगा तो ये ड्रॉपलेट उस वक्त चार्ज नहीं होंगे, और जो ड्रॉपलेट चार्ज नहीं है वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेंगे और जाके वैसे ही पेज के ऊपर जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। अब इसी तरह से जब कोई लाइट हिस्सा आता है, तो जब उस किसी चीज़ को हमने प्रिंट नहीं करना है, इमेज नहीं है, बिल्कुल लाइट है, तो अब क्या होगा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देगा चार्जिंग इलेक्ट्रोड को और चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाएगा। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन होगा तो ये ड्रॉपलेट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिकली नेगेटिव चार्ज जो है उसको प्लेस कर देगा। चार्ज बेसिकली इसमें क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव करेगा। नेगेटिव चार्ज अब ड्रॉपलेट के ऊपर है और पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, उस ड्रॉपलेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। जब ये अट्रैक्ट करेगी तो यही ड्रॉपलेट्स जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और इस गटर में चले जाएंगे। अब ये गटर क्या करेगा, उन तमाम ड्रॉपलेट्स को दोबारा इंक सप्लाई को प्रोवाइड कर देगा। तो बेसिकली यही प्रोसेस है इसमें कि नोजल इंक प्रोवाइड करती है, जो चीज़ हमने लिखनी होती है उस वक्त चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ होते हैं, और जब कुछ प्रिंट नहीं करना होता तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाते हैं। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन होंगे तो इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिकली एक चार्ज आ जाएगा, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो है वो इनको डिफ्लेक्ट कर देंगी। इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कहा जाता है, क्योंकि कैपेसिटर में भी हम यही फिनोमेना यूज करते हैं कि उसमें हम दो प्लेट्स जो है वो यूज करते हैं। तो बच्चों यही इसका तमाम प्रोसेस है। अब लेट्स सपोज के ये एक पेज है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ए, लिखा हुआ है, तो हम ये ए जो है इसको प्रिंट करना चाहते हैं इस पेज के ऊपर। अब क्या होगा, और इसके साथ दो डॉट्स बने हुए, बिल्कुल यहाँ पर हमने एक पेज जो है वो प्लेस किया है, तो इसके ऊपर हम इस ए को भी बनाना चाहते हैं और इसके साथ डॉट्स जो है उनको भी प्लेस करना चाहते हैं। तो क्या होगा,
जब ये कंप्यूटर में से गुजरेगा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देगा, कंप्यूटर में भी एक लाइट होती है जो हर पॉइंट के ऊपर मूव करती है। जब लाइट मूव करेगी, बिल्कुल लास्ट फोटोकॉपियर मशीन में भी हमने देखा था कि फोटो कंडक्टर जो है वो यूज किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस होगा कि जब लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी और जिन हिस्सों पर लाइट फॉल करेगी और वो हिस्से बिल्कुल विदाउट इमेज होंगे, वहां पर कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो ये कंप्यूटर क्या इंस्ट्रक्शन देगा फिर चार्जिंग इलेक्ट्रोड को कि वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन कर देगा। और जिन हिस्सों पर ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होगा, लेट्स सपोज अब डॉट के ऊपर आ गई है लाइट, कंप्यूटर इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप जो है वो ऑफ हो जाएं, तो जब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ हो जाएगा तो ड्रॉपलेट जो है वो सीधे ही पेपर के ऊपर मूव कर जाएंगे और ये डॉट यहां पर जाके बन जाएगा। इसके बाद अब क्या होगा, दोबारा फिर लाइट फॉल होगी और लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर ये इंस्ट्रक्शन देगा कि दोबारा चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है वो ऑन हो जाएंगे। जब ए लिखना होगा तो फिर चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है वो दोबारा ऑफ हो जाएंगे। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ होंगे तो वो इंक तमाम की तमाम जो है वो यहाँ पर आके प्रेस होती रहेगी इस पेपर के ऊपर और हूबहू वैसा ही इमेज जो है वो इस पेपर के ऊपर बन जाएगा। इसके बाद दोबारा फिर जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हमारे पास जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है वो ऑन हो जाएगा। चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन होगा तो चार्ज हमारे पास जो ड्रॉपलेट है ये चार्ज हो जाएंगे और ये गटर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट ये सप्लाई दोबारा जो है वो इंक सप्लाई में पहुंच जाएंगे और पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं बनेगा। तो पेपर के ऊपर सिर्फ वही इमेज बनेगा जो इमेज हमने इसको प्रोवाइड किया है, जो हमने पेज इसको प्रोवाइड किया है या फिर कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, तो वही प्रिंटर जो है हमारे पास प्रिंट करेगा। जैसे आप इमेज बनाने जाते हैं तो आपकी जो बैकग्राउंड है वो ब्लू होता है और इसके बाद जो आपका इमेज है, तो मीन दैट के ये तमाम डिफरेंट कलर्स प्रिंटर भी हैं और कलर प्रिंटर भी यूज़ किया जा सकता है। तो हमारी बुक में जस्ट सिंपल प्रिंटर जो है वो उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो प्रिंटर जो है वो कई टाइप के होते हैं, 3D प्रिंटर भी होते हैं और इसके बाद कलर प्रिंटर भी होते हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों। जिस चीज़ की समझ नहीं आई आपको तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।